अपने एक फील्ड में है जो है 5BBA, पदमपुर तहसील है और गैसिंगपुर मार्केट, छोटी जो मार्केट बोले वो गैसिंगपुर लगती है। तो जानते हैं अपने एक्टिव फार्मर से कि उन्होंने क्या कुछ कैसे कैसे किया और फ्यूचर में कुछ अपनी जो आज तक की जो खेती है उसमें क्या चेंजिंग करने वाले हैं और कैसे करेंगे। अब तक इनकी हम अपने से कोई मुलाकात नहीं हुई, आज फर्स्ट टाइम अपने इनसे मिले हैं, तो थोड़ा सा एड्रेस जानते हैं और उसके बाद आगे की डिस्कस करते हैं। सत श्री अकाल अंकल सत जी। श्री अकाल जी। अंकल जी अपना नाम? दलीप सिंह। दलीप सिंह जी, पूरा नाम? हाँ, पूरा नाम अग्गे की लांदे हो? दलीप सिंह बुट्टर। दलीप सिंह बुट्टर। हाँ जी। सर अपना मोबाइल नंबर? 96104 96104 093-92 093-92। ते अंकल जी टोटल अपनी खेती किन्नी है? 90 बीघे है जी। 90 बीघे है। हाँ जी। ते सरों किन्ने च कीती है? सरों 55 बीघे कीती है। 55 बीघे। ते बाकी कणक? कणक है जी, 10 बीघे कणक है, कुछ चने है, बाकी चने अपने जौ है। ठीक है। ते अपने मार्केट जेड़ा तुसी फसल वगैरह बेचदे हो, पदमपुर बेचदे हो के गैसिंगपुर? गैसिंगपुर बेचते हैं। गैसिंगपुर। हाँ जी। ते अपने खाद वगैरह भी गैसिंगपुर लेंदे? हाँ जी, गैसिंगपुर तो लेंदे। ते अंकल जी इस सरों च किन्ने पानी लग गए? इस सरों ने एक पानी लग गया जी। वैरायटी केड़ी है? वैरायटी है गई श्री राम जी 1666। बायो सीड? हाँ जी। 1666। हाँ जी। ठीक है। तो अंकल जी अब इसमें आपने क्या क्या चीज डाली है, खाद कोई थोड़ा बताएंगे? हाँ जी, इसमें एक गट्टा था ग्रो प्लस का डाला हुआ है। एक गट्टा ग्रो प्लस का बिजाई के टाइम? हाँ जी। ठीक। 15 किलो NPK। 15 किलो NPK, वो भी बिजाई में? हाँ जी, वो भी बिजाई में। ठीक है। 30 किलो यूरिया पहले फर्स्ट पानी की वजह से। बस 30 किलो पहले पानी में यूरिया। हाँ जी। तो ये जमीनें बहुत हेवी है, अगर आप थोड़ा सा नीचे देख पाए, जमीनें अगर देख पाए तो बिल्कुल पक्की जमीनें हैं, जो कि अपने कहते हैं सूखने के बाद, बत्तर रहने के बाद जमीनों में तरेड़े पड़ती है, मतलब इतनी हार्ड हार्ड जमीनें हैं और फसल बहुत अच्छी खड़ी है। तो अंकल जी मुझे एक थोड़ा सा आप बताएं कि आपने ग्रो प्लस पे ही विश्वास अकेले पे क्यों नहीं किया, इसके पीछे क्या कारण था? ये आप लोगों के लिए भी कुछ नया है कल की तरह? हाँ देखो जी, अब तक हमें कोई आप जैसा मिला ही नहीं। अच्छा। बताने वाला ठीक है, नहीं कोई पहली बार आप आए हो ग्रो प्लस वाले। ठीक है। हम वैसे बीते रहे हैं भाई, आपने सिर्फ इसको जस्ट एक सुपर की जगह इस्तेमाल किया है। सुपर की जगह इस्तेमाल किया तो आपको ये फील नहीं हुआ कि आज मैं एक सुपर का 500 रुपए दे रहा हूँ, वो 300 रुपए में भी गट्टा मिल रहा है कहीं? नहीं जी, उसका रिजल्ट अच्छा मिला है। रिजल्ट अच्छा मिला है। हाँ जी। तो आप इसको जस्ट एक सुपर की जगह यूज कर रहे हैं, नहीं कि इसको आपने DAP की जगह रिप्लेस किया है? सुपर की जगह कर रहे हैं। ठीक है। तो अब अंकल जी आपको इसमें जो कुछ मिल रहा है, जैसे आपने बताया कि अपने को ट्यूबवेलों के पानी है, तो इससे आपको क्या फायदा लगा वो थोड़ा बताएं। इससे बहुत फायदा है, अपने फसल है जो खुश्की बहुत कम बनती है, इससे खुश्की कम आ रही है। हाँ। ठीक है। और जो ट्यूबवेलों के पानी है उससे जो जमीनें खराब हो रही है, पीएच बढ़ रहा है, उसको भी ये? हाँ, कंट्रोल कर रही ये है। भी उसको भी कंट्रोल कर रही है। कर रही है। ठीक है। और दूसरी चीज की जो आपको इसकी क्वालिटी लगी दाने की और जो फसल की ग्रोथ बता रही है, उससे आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट है। तो अंकल जी आप आगे से आपका क्या विचार है, अगली फसल आप क्या करने वाले हैं? अगली फसल में भी यही अकेली डालेंगे जैसे आप बता रहे हो। एक बार भले मैं सभी लोगों से ये कह रहा हूँ, पूरे खेत में मत कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 1 या 2 बीघे का प्लॉट डिसाइड कीजिए, 5 बीघे की एक पट्टी होती। हाँ। है उसमें 2 या 2.5 बीघे आप ऐसे कीजिए जिसमें सिर्फ ग्रो प्लस पे डिपेंड होइए और बाकी अपना टोटल खेत अपने हिसाब से करिए। हाँ, कुछ मुश्किल है किसानों के लिए, क्योंकि जब हाथ में खाद हो और पास में सब कुछ पड़ा हो तो ये लगता है कहीं यार मैं मर ना जाऊं, मेरा घाटा ना लग जाए, 1 बीघे में घाटा हो तो क्यों हो, वो ये सोच के क्या करता है कि चल यार डाल देते हैं सारे में, अगले साल देखेंगे, हर बार सोचता है अगले साल देखेंगे। लेकिन अगर आप 2 बीघे भी नहीं कर सकते, आधा बीघा कम से कम कीजिए, 2 क्यारी कीजिए, 2.5 कनाल 3 कनाल तो ऐसा कीजिए जिसमें आप सिर्फ ग्रो प्लस डालो और विश्वास करो आपको जो बाकी फसल है उससे 21 ही मिलेगी, 19 नहीं मिलेगी। यही मैं अंकल जी से कहना चाहता हूं। तो अंकल जी अभी आपने पीछे गेहूं भी कर रखा है, गेहूं में भी आपने क्या डोज रखी है? गेहूं में भी 1 थैला बीघे का ग्रो प्लस। ठीक है। 25 किलो NPK। 25 किलो NPK। हां ठीक है। और यूरिया? यूरिया 30 किलो यूरिया एक पानी लगाया अभी, एक पानी उसमें लगाया है। तो अंकल जी मेरा आपसे भी अनुरोध है, लोगों से भी है कि एक बार आप अकेला ग्रो प्लस यूज करके देखें, जब आपको तसल्ली है कि चीज अच्छी है। हाँ। और 5 तत्व जो लिखे हैं वो वाकई मिल भी रहे हैं? मिल रहे हैं, बिल्कुल मिल रहे हैं, वो जमीन भी बता रही है। हाँ। तो एक बार आप भी इस्तेमाल करें, और लोगों से अगर आप कोई सुझाव करना चाहें कि भाई आप तो करेंगे करेंगे यूज, तो लोगों को कुछ कहना चाहें, तो जैसे कि सुपर के तौर पर आप यूज कर रहे हैं उसमें आप कुछ बताना चाहो तो? हाँ, हम तो यही बताएंगे भी दूसरी सुपर से बहुत ही बेस्ट है जी। ठीक है। हाँ। तो एक बार आप एक बार जरूर इसको वर्त के देखें। ठीक है, अपने आप पता चल जाएगा। तो अंकल जी आप कोई इस बार ही जुड़े हैं अपने से कि कब से जुड़े हैं, कितने कब से ला रहे हैं आप इस बैग को, जब इसकी कॉस्ट कहाँ से शुरू की आपने? 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। पहले वर्ष तो 450 में मिली। ठीक है। फिर मेरा हेल्प
570 570 है, इस बार फिर 500 और बीच में 600 भी आई थी। हाँ बीच में 600 भी आ गई थी। इस बार थोड़ी दिक्कत आई है कि लास्ट हमें मिली नहीं आपको। ठीक है भाई, लास्ट टाइम आपको खाद नहीं मिलने की वजह से आपने मार्केट से कुछ और चीजें प्रोवाइड करनी पड़ी कुछ फसल के लिए। हाँ कुछ फसल के लिए और दूसरी सैंपल सुपर लानी पड़ी हमें, प्लेन सुपर लानी पड़ी। उसके लिए हम माफी चाहते हैं, आगे से ये दिक्कत नहीं आएगी, आपको टाइम पे मटेरियल उपलब्ध रहेगा। और बाकी अभी आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल संतुष्ट है। लास्ट तक बने रहिए चैनल के साथ। वीडियो जब अपनी ये फसल कटेगी तो अंकल जी की फिर एक वीडियो आएगी जिसमें इस फसल की इल्ड भी आएगी, मतलब झाड़ भी आएगा कि आपने जिसमें ग्रो प्लस डाला उसमें झाड़ क्या निकला, वो देखना आप सबके लिए बहुत जरूरी है ताकि आप भी भविष्य में ग्रो प्लस से जुड़े रहें। धन्यवाद।